आज हम लड़ेंगे। कितनी गर्मी है, मैं तो परेशान हो गई। ये क्या? उफ, मुझे मच्छरों ने काट लिया है। इन मच्छरों का मैं क्या करूं? थैंक गॉड मच्छरों ने हिमावरी को नहीं काटा। लेकिन इतने सारे मच्छर आ कहां से रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। दरवाजा तो बंद है। ये हीरोइन तो बिल्कुल मॉम की तरह है। ये लड़का भी ना? ये हीरोइन तो बिल्कुल मॉम की। मैं इसे हीरोइन की तरह लगती हूँ। मॉम की तरह शादीशुदा है। ये क्या कह रहा है? लेकिन इस वक्त मेरी मेन प्रॉब्लम मच्छर है। मैंने मॉस्किटो रिपेलेंट कहाँ रख दिया था, कुछ याद ही नहीं आ रहा है। यहाँ तो कोई चीज वक्त पर नहीं मिलती। ये सब क्या है? ये तो मुझे शिनचैन की हरकत लगती है। अरे कहीं यहाँ तो नहीं रखी थी, पता नहीं कहाँ गई। अरे हाँ वो रही। शायद मुझे दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। ये ठीक है। ना मैट्स के इस मशीन का क्या फायदा, कुछ और सोचना होगा। अब क्या करूं मैं? मच्छरों से मुझे खुद ही लड़ना होगा। कहीं शोर सुनकर हिमावरी जाग ना जाए। हैरी शोर मत मचाइए। सुनिए हैरी, यहाँ बहुत मच्छर है, चलिए ना उन्हें मिलकर मारें। मुझे सुबह जल्दी उठना है मिट्सी, मुझे सोने दो ना प्लीज। ठीक है, इन मच्छरों से मैं खुद ही निपट लूंगी। सो जाओ सो जाओ। अरे शिनचैन ये क्या कर रहे हो तुम? चलो उतरो नीचे। ये बताओ तुम सो रहे हो या जाग रहे हो? ये मच्छर भी ना, मैं इन्हें मसल डालूंगी, एक को भी नहीं छोड़ूंगी मैं। लेकिन अगर मेरे जाने के बाद इन मच्छरों ने हिमावरी को काटा तो अब मैं क्या करूं? इधर आओ प्यारे प्यारे मच्छरों, ये आदमी बहुत टेस्टी है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नजदीकी कन्वीनियंस स्टोर कहाँ होगा? 24/7 कन्वीनियंस स्टोर सबसे नजदीक रहेगा। हाँ तुम सही कह रहे हो। अरे शिनचैन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इतना शोर मचा रही थी कि मेरी नींद खुल गई। सुनो बेटा, मुझे मैट्स खरीदने जाना है तो तुम यहीं क्यों नहीं रुक जाते? एक काम करो, तुम हिमावरी का ख्याल रखना, ठीक है? बातें करने की बजाय क्यों ना मस्किटो रेपेलेंट ले आए। अरे इनके पास तो मैट्स है ही नहीं। आप यहाँ पार्ट टाइम जॉब करती हैं? क्या आपने कभी रॉबरी देखी है? चलो यहाँ से। यहाँ भी नहीं है। आपको इतनी रात को अकेले काम करने में डर नहीं लगता? आपके पास मैट्स नहीं है? मैं माफी चाहता हूँ, हमने खामखा इतना सारा टाइम वेस्ट किया। मिट्सी और शिनचैन, मस्कीटो मैट्स मिल गए, लेकिन क्या फायदा, सुबह हो गई है। अरे
मिस्टर नोहारा क्या बात है? नहीं कुछ भी तो नहीं हुआ। मिसेस नोहारा कहाँ है? वो बस यूं ही। अच्छा क्या वो कहीं चली गई है? नहीं नहीं यहीं पर है आसपास ही। ओ नहीं अब हमें क्या करना चाहिए? उसे देखकर तो ऐसा नहीं लगता था कि वो ऐसा करेगी। बहुत बुरा हुआ। मैं पूछ सकता हूँ आप इतने खुश क्यों लग रही हैं? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कहाँ खुश हो रही हूँ, आप भी कैसी बातें करते हैं। पूरी रात वेस्ट हो गई, मैं तो बुरी तरह थक गई हूँ। मैं भी बहुत थक गया। बस बहुत हुआ दोस्तों, चलो अब घर घर खेलते हैं। ये लड़के भी कितना परेशान करते हैं। ये लो पकड़ो से। चलो लेकर आते हैं। थैंक यू। क्या तुम्हें इस तरह से खेलना चाहिए? ये मेरे सीधे सर में आकर लगी है। अगर मुझे कुछ हो जाता तो तुम क्या करते बोलो? हमें माफ कर दीजिए। ये सब तुम्हारी गलती है कजामा, तुम्हें बिल्कुल भी खेलना नहीं आता है। खेलना तो तुम्हें नहीं आता, तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, समझे? ओहो मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए लेडी इन ब्राउन। शिनचैन कैसी अजीब बातें कर रहा है? ये तो समझदारी और नरमी से बात करने की कोशिश कर रहा है। क्या आप ठीक है आंटी? क्या कहा तुमने? मैं तुम्हारी आंटी कब से हो गई? क्या मैं तुम्हें आंटी लगती हूँ? मुझे लगता है वो नहीं चाहती कि हम उन्हें आंटी कहें। लेकिन अभी कुछ देर पहले तो ये कह रही थी कि ये बूढ़ी हो गई है। तुम लड़के इस बात को नहीं समझ सकते, ये बात तो एक लड़की ही समझ सकती है। मेरे सिर में तो कुछ होने लगा है। मेरे ख्याल में तुम्हें इन्हें घर छोड़कर आना चाहिए। याद है ना योशिनागा मैम ने कहा था हमें बूढ़े लोगों की हेल्प करनी चाहिए। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, हम आपको आपके घर छोड़ आते हैं। मैं परेशानी के लिए माफ़ी चाहती हूँ, मेरा घर यहीं पास में है। थैंक यू सो मच बच्चों, तुम बहुत ही प्यारे हो। हमें आपकी मदद करके खुशी हुई। हम आपकी और क्या मदद कर सकते हैं, आप बताइए। क्या सचमुच कितने अच्छे बच्चे हो तुम लोग, अंदर क्यों नहीं आते? अब हम क्या करें? दोस्तों मुझे लगता है ये हमें गिफ्ट देना चाहती है। ठीक है थोड़ी देर के लिए अंदर चल सकते हैं। ठीक है चलो। वेलकम शर्माओ मत इसे अब। अरे मैं इतनी भी बूढ़ी नहीं हूँ, समझे तुम? अरे नहीं नहीं मैं तो इस घर की बात कर रहा था, ये बिल्कुल आपकी तरह है। अच्छा वैसे तो सभी लोग यही कहते हैं कि मैं काफी यंग लगती हूँ। लगता है इन्हें सुनने में कुछ प्रॉब्लम है। आंटी क्या आप यहाँ? इन्हें आंटी क्यों कह रहे हो? आंटी मत कहो। तो फिर हम इन्हें क्या कहें, हमें तो इनका नाम भी नहीं पता है। हे आंटी क्या आप यहाँ पर अकेली रहती हैं? बस करो, तुम्हें किसी से बात भी नहीं करनी आती। ठीक है तो मिसेस मैडम कैसा रहेगा? ये भी अजीब है। मेरा नाम साकुराको है, तुम मुझे साकुराको जी भी कह सकते हो। जी ठीक है। हमारी बात सुन ली, लगता है ये वही सुनती है जो ये सुनना चाहती है। साकुराको जी आपकी उम्र कितनी है? क्या तुम्हें नहीं पता कि किसी लड़की से उसकी उम्र नहीं पूछते हैं? वैसे तुम्हें क्या लगता है? आपकी उम्र कुछ ज्यादा नहीं लगती है। अगर मैं तुम्हें अपनी उम्र बताऊं तो तुम सुनकर हैरान हो जाओगे। आप 18वीं सदी में पैदा हुई थी। ये तुम क्या कह रहे हो शिनचैन? अगर ये तब पैदा हुई होती तो अभी तक जिंदा नहीं होती। वेल मुझे पता नहीं कि मैं कब पैदा हुई थी और मेरी उम्र क्या है। वैसे साकुराको जी आपकी इस रॉन्ग लाइफ का राज क्या है? शायद तुम कहना चाहते हो लॉन्ग लाइफ, अगर रॉन्ग लाइफ ना हो तो लॉन्ग लाइफ जी सकते हैं। ओहो तो मैं भी लॉन्ग लाइफ वाला बनूंगा। ठीक है अब हमें आगे क्या करना है? आप फिक्र ले लेता हूँ, चाय या जूस कुछ भी। तुम मेरी मदद के लिए आए हो तो झाड़ू पोछा कर सकते हो। झाड़ू पोछा? कजामा ये सब तुम्हारी गलती है, क्या हम कुछ और मदद करें? तुम्हें ये सब कहने की क्या जरूरत थी? तुम्ही तो कह रही थी कि योशिनागा मैम ने सिखाया कि हमें बड़ों की मदद करनी चाहिए। जान तुम कुछ भी काम नहीं कर रहे, चलो हमारी मदद करो। हाँ जो मेहनत नहीं करता उसे खाने के लिए भी नहीं मिलता। वैसे तो मेहनत करने के बाद ही खाने में मजा आता है, तो क्या तुम इस टेबल को यहाँ से हटाने में मेरी मदद करोगे बच्चो? तुम दोनों जाओ और उनकी मदद करो।
का काम शुरू करो, मैं अभी आती हूँ। मुझे लगता है कि इन्होंने हमें यहाँ, मैं तो थक गया, सिर्फ अपनी मदद के लिए ही बुलाया है शिनचैन, है ना? यकीन नहीं होता कि ये 5 साल के बच्चों से इतना काम करा रही हैं। ऐसा करके इन्होंने मुझे मॉम की याद दिला दी। एक बात बताओ, तुम्हें नहीं लगता ये वो बुरी औरत हो सकती है जो चॉकलेट के घर में रहती थी, बिल्कुल हैंसल एंड ग्रेटल की स्टोरी की तरह? क्या इसका मतलब हम कुकीज बन जाएंगे और ये हमें खा जाएगी? क्या? लेकिन हमने तो इनका चॉकलेट हाउस चखा भी नहीं है। अरे दोस्तों, ये तो सिर्फ एक कहानी है, पर मुझे तो इस बात की अच्छा होगा। काम हो गया? जी हाँ। बहुत बढ़िया बच्चों, तो हाथ धोकर कुछ नाश्ता कर लो। है क्यों, ठीक है ना? अरे ये क्या कुकीज? क्या तुम्हें ये पसंद नहीं? ऐसा नहीं है। सब कुछ साफ साफ देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अपने जाने के बाद सब कुछ साफ सुथरा छोड़कर जाना चाहती हूँ, और वो भी शांति से। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं वो बहुत समय तक जीते हैं। ये आइस टी तो बहुत टेस्टी है। अरे देखो, ये क्या? साकुराकू जी का घर तो गायब हो गया। पता नहीं साकुराकू जी का क्या हुआ होगा। शायद वो, क्या वो हमेशा के लिए चली गई? बताओ, तुम इस तरह से मजाक करना बंद करो। लेकिन वो अचानक गायब कहाँ हो गया? हे बच्चों, कैसे हो तुम? साकुराकू जी, आप यहाँ? आप तो कितनी यंग लग रही हैं। मैं उस पास वाली बिल्डिंग में शिफ्ट हो गई हूँ, तो तुम लोग वहाँ आकर मेरी मदद क्यों नहीं करते? चलती हूँ। ये तो यंग है। अभी तो ये बहुत साल जिएंगी। आज मैं और मॉम ढूंढेंगे शिरो को। हेलो मॉम, मैं वापिस आ गया। वेलकम बैक। अरे मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। मॉम मॉम स्नैक्स दो। मॉम, अरे मॉम आप कहाँ हैं? मॉम मुझे भूख लगी है। मॉम स्नैक्स दो ना। मैं गार्डन में हूँ। ओहो, मैं इतनी देर से आपको बुला रहा हूँ, आप तो सुनते ही नहीं हैं। मॉम, ओहो तो आप यहाँ थी? आप फौरन जवाब क्यों नहीं देती हैं? जब भी तुम घर आया करो, हाथ मुंह धो लिया करो। कितनी बार कहना पड़ेगा? शिरो कहाँ? उसे क्या हुआ? अरे तुम उसे वॉक के लिए नहीं ले गए थे क्या? उसे कहाँ छोड़ आए हो, बताओ। लगता तो है। तो फिर शिरो गया कहाँ, याद करके बताओ। मॉम पूछना क्या चाह रही हैं? तुम बिल्कुल बुद्धू हो। अगर किसी को साथ लेकर जाते हैं तो उसे साथ लेकर वापस भी आते हैं। अच्छा बताओ, सबसे पहले तुम कहाँ गए थे? वो मैं तो हमेशा की तरह जहाँ जाता हूँ वहीं पर गया था। पड़ोसी के कुत्ते को तंग करने के बाद उनके पड़ोस में जो कुत्ता है उसे तंग करने चला गया था। हे आरन, क्या तुम मुझे मिस कर रहे हो? क्या करने लगे हो, बताओ। मैं तो सिर्फ उसके स्ट्रेस को कम कर रहा था। वो बाहर वॉक पे भी नहीं जाता है। तुम खुद भी कभी कभी ही शिरो को बाहर लेकर जाते हो, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे एरन को तंग करने की? इसे माफ कर दीजिए प्लीज, ये तो बस ऐसे ही। रुको शिनचैन, मेरी बात सुनो शिनचैन। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये बहुत शर्म की बात है, आप ऐसे बच्चे की तरह छुप रही हैं। अब बताओ, यहाँ से तुम कहाँ गए थे? इस तरफ। अच्छा इस तरफ, लेकिन यहाँ तो ओफो, ये शिनचैन भी कहाँ कहाँ चला जाता है। अरे हिमावारी, हिलना मत बेबी। का बोनसाई प्लांट खराब कर दिया। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, वो तो सॉरी। तुम इतनी बड़ी होकर ऐसा कैसे कर सकती हो? रुक जाओ, मैं अभी बताती हूँ। मामा फिर से चुप रही हैं, मुझे बार बार क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? अच्छा जब तुम यहाँ थे तो क्या शिरो तुम्हारे साथ था? शायद। अरे शायद से मतलब क्या है तुम्हारा? मॉम इधर आइए, इधर आइए। ये देखिए मॉम, ये मेरा फेवरेट लेटेस्ट को। ये
कॉमिक्स के सभी दीवाने हैं और उम्मीद है कि ये खूब बिकेगी। मॉम आपको क्या लगता है? ओह कितनी गर्मी है। बुरी बुरी। हे तुम बस बहुत हो गया। मॉम मुझे वापस दे दो। तुम हमेशा ऐसी हरकतें क्यों करते हो शिनचैन? तो क्या वो तुम थे? ओ नहीं ये खतरनाक लगता है। शिनचैन चलो यहाँ से। अरे नहीं तुम भी भागो। रुक जाओ। जहाँ पर शिनचैन हो वहाँ सब कुछ ठीक कैसे हो सकता है? अरे रुको। मॉम मॉम इधर इधर यहाँ पर आ जाइए। तुम कहाँ हो शिनचैन? रुक जाओ। ओ नहीं मैं तुम्हें छोड़ूंगी। रुक जाओ। आपके डिमांड में है मॉम। ये सब तुम्हारी गलती है। एक छोटे से बच्चे पर इल्जाम लगाना बहुत बुरी बात है मॉम। क्या तुम वॉक के लिए कोई नॉर्मल रूट नहीं ले सकते थे शिनचैन? मैंने इस रूट को इसलिए चुना क्योंकि यहाँ पर थ्रिल सस्पेंस और एक्शन सब मिलता है। आज के बाद तुम्हें शीरो को कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है समझे तो? अरे हाँ मॉम एक और बात शीरो कहाँ पर है? ओ हाँ, तो क्या यहाँ पर शीरो तुम्हारे साथ नहीं था? जल्दी से मुझे मैं तो हार गई। आखिर पकड़ ही लिया। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मैं सारी परेशानी के लिए आपसे माफी चाहती हूँ। मैं वादा करती हूँ अब ये आपको परेशान नहीं करेगा। ये तुम क्या कह रही हो? सारा कुछ खुद करती हो और इल्जाम बच्चे पर लगाती हो। अब बच्चा तुमसे क्या सीखेगा? क्या मैं? नहीं नहीं आप गलत समझ रहे हैं। छोटा बच्चा। आई एम सॉरी मैं इसे समझा दूंगी प्लीज। अरे नहीं नहीं मैं पूरी बात समझ गया। हेलो सा बच्चा आपका है जी। वो प्यारा सा डॉगी कहाँ है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है? शायद तुम उस सफेद डॉगी की बात कर रही हो। अच्छा तो तुम भी उस छोटे से सफेद डॉगी को जानती हो? वो डॉगी और कहीं नहीं मेरे घर में है। दरअसल हुआ यूँ था कि जिसने भी ये किया है वो आज मुझसे नहीं बचने वाला। आपकी दीवार तो बहुत ही अच्छी लग रही है। क्या कहा? दीवार बहुत अच्छी लग रही है? क्या तुम्हें पता है इसे ठीक कराने में मेरा कितना खर्चा आएगा? क्या हुआ शीरो? ये मेरे घर में घुस गया। कहाँ जा रहे हो शीरो? बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, आग लग गई है आग। तो शीरो को पता लग गया था कि आपके घर में आग लगी है? मेरी वाइफ फोन करने के लिए बाहर गई हुई थी और वो प्रेस को ऑफ करना भूल गई। उस दिन तो सच में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। ये हमेशा मेरे पति के बोन्स उसे बचाता है। सच में शीरो तो तुम यहाँ हो? मेरा एरन तो आज भी इसका इंतजार कर रहा है। ये रोज उसके साथ खेलने आता था, मेरा एरन का ध्यान रखता था। क्यों है ना? ये डॉगी तो बहुत प्यारा है। ये हमेशा मेरे पति के बोनसाई प्लांट्स की रक्षा करता है। क्या देखा तुमने? सब शीरो को थैंक्स कह रहे हैं और तुम्हारे छोटे से बच्चे को भी। तुम्हारा बच्चा कितना प्यारा है। अरे मैंने शिनचैन को क्या समझा था और ये क्या निकला?